एवरीवन, मैं हूँ स्नेहा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ वो एक कोकनी ऑथेंटिक रेसिपी है जिसका नाम है गुड़ की खांडवी। तो चलिए देख लेते हैं ये बनाने के लिए लगने वाले इंग्रेडिएंट्स। सो लेट्स बिगिन। गुड़ की खांडवी बनाने के लिए हमें चाहिए आधा कप चावल का रवा या फिर चावल की कणी, आधा कप गुड़, 2 से 3 चम्मच कोकोनट गीला नारियल, 2 से 3 चम्मच देसी घी या फिर बटर, 1/2 चम्मच क्रश किया हुआ अदरक, 1/2 चम्मच इलायची की पाउडर और गार्निशिंग के लिए कुछ बादाम और 1 कप पानी। एक पैन लेना है और उसमें हमें ये जो चावल का रवा है उसे अच्छे से गोल्डन होने तक सेकना है घी के ऊपर। इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा बटर, तो इसको हम अच्छे से सेक लेंगे। अब इसमें ही मैं थोड़े से नट डाल के इसी के साथ नट को भी रोस्ट करूंगी। चावल का रवा जो है अच्छे से रोस्ट हो गया है, इसमें हम अब डाल देंगे थोड़ा सा कोकोनट। अब ये अच्छे से रोस्ट हो गया है, अब इसमें हम डाल देंगे पानी और इसको पका लेंगे। पानी डालने के बाद ध्यान रखना है कि इसमें गुठलियाँ या फिर लंप ना हो जाए। ऊपर ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए पकाना है जिससे वो चावल पक जाए। गया है, इसमें मैं डाल देती हूँ 1 चम्मच और थोड़ा बटर जिससे ये चिपक ना जाए, और बाद में हम इसमें डाल देंगे ये पूरा 1/2 कप गुड़ डाल देंगे। ये कद्दूकस किया हुआ जिंजर, अदरक, जो गुड़ है पूरी तरह से मेल्ट हो गया है और ये अच्छे से सूख भी गया है। तो चलिए इसमें हम डाल देते हैं लास्ट में ये इलायची का पाउडर। आप चाहे तो नटमेग भी डाल सकते हैं, जायफल, वो भी गुड़ के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो इस कंटेनर में ये जो सूखा हुआ मिश्रण है इसको हम पूरी तरह से स्प्रेड करेंगे। और इसको हमें एक 10-15 मिनट के लिए अच्छे से सेट करना है। इसके ऊपर हम डाल नारियल। देखते हैं कि ये खांडवी मैंने कट करके ली है, अब ये तैयार है खाने के लिए। इसके ऊपर चाहे तो हम और थोड़ा कोकोनट स्प्रेड कर देंगे। तो अब ये रेडी है, भी मील के साथ खा सकते हैं इसे आप, स्नैक के हिसाब से, ब्रेकफास्ट के लिए, लंच पे, डिनर पे, किसी भी मील के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बनी है। तो ये खांडवी आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और आपके अनुभव मेरे चैनल पे ज़रूर शेयर कीजिए।
और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग. सी यू सून विद न्यू रेसिपी. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.